तुम जिस तरह कह रहे हो मैं बिल्कुल वैसा ही कर रहा हूं, लेकिन मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। सर मैं चाहता तो वो ये पैसे लेकर निकल भी जाता, मेरा क्या जा रहा था? मुझे तो बैठे बैठे पैसे मिल रहे थे ना, वो भी खामोश रहने के, और क्या चाहिए था मुझे? लेकिन आप जो कर रहे थे वो झोल था, और एक ना एक दिन सबके सामने आ जाता। सर ट्रस्ट मी, मैंने आपसे पैसे लिए ना, तो अब मेरा फर्ज है कि आपकी बेटी को खैरियत से निकालूं इस मसले से, वो भी बिना किसी झोल के। एक मिनट, उन्हीं का फोन है, उठाए पिक करें। हेलो, पैसों का इंतजाम हो गया? हाँ हो गया। ठीक है, छह जगह बताई थी वहां पर पहुंचो। हाँ लेकिन मेरी बेटी। हाँ हाँ आ जाएगी वो भी, अभी वक्त जाया नहीं करो और पैसे लेकर पहुंचो। अच्छा ठीक है, मैं पहुंच रहा हूँ। याद आया, मैं भी कॉल कर दूं कि फोन आ गया उनका। सर ट्रस्ट मी, कुछ भी नहीं होगा, खामखा परेशान हो रहे हैं। हेलो, फोन आ गया उसका, कादिर साहब पैसे लेके निकलेंगे और मैं उनकी बेटी को लेके निकलूंगा यहां से। समझ गया, ओके चले। सर ट्रस्ट मी, ठीक है। रिश्तों के हैं धागे से बंधे, कितने फसाने, जाए तो कहाँ जाए। सिमी देखो, कोई झोल मत कर, हमने बहुत मुश्किल से ये कहानी सेट की, हम सब संभाल लेंगे, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, तुम परेशान मत हो, तुम बस एक्टिंग करना जैसे जैसे तुम शौक, तुम्हें कुछ नहीं पता। ओके ये बताओ कि यहां से कहां गए? आगे से लेफ्ट। फैसला? हाँ लेकिन ये बताओ कि लड़की कब वापस आएगी? पैसे आ गए ना, लड़की भी आ जाएगी। कब? शाम तक इंतजार करो, लड़की आ जाएगी।